जिंदगी एक सफर है, निकलोगे तभी तो पहुंचोगे। यस बच्चों, वेलकम टू गणितंक। दिस अंकुश, और आज हम बात करेंगे हमारे आखिरी 5 महीने, बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 महीने। इसमें हम कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम खुद को बहुत हाई रख सकते हैं और हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। बच्चों, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, मैं बोर्ड्स में कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं सीटी में कैसे कर सकता हूँ अच्छा, जेई मेंस में अच्छा कैसे हो सकता है। पिछले 12-13 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और बहुत क्लैरिटी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बच्चों, आज है नवंबर 5, है ना। आज से अगर देखेंगे तो कुछ महीने बाद ही हमारी बोर्ड्स एग्जाम है। सबसे पहली एग्जाम हमें जो मिलेगी वो जेई मेंस मिलेगा, अगर आप जेई मेंस दे रहे हो फेज 1। फिर बोर्ड्स मिलेगा, ऐसे कई सारे एग्जाम, एमएसटी सीटी हमें देना है, बिट सैट हमें देना है, बहुत सारी एग्जाम देना है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतनी सारी एग्जाम, मैं किसके बारे में प्रिपरेशन करूं और किस पे फोकस करूं। सबसे पहली बात बच्चों, बहुत सारे बच्चे जब 11th में आते हैं तो जेई मेंस करूंगा, जेई एडवांस करूंगा, ये कह के आते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते रियलिटी चेक हो जाता है, राइट। आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। बहुत बच्चों को रियलिटी चेक मिल चुका होगा, कुछ बच्चे अभी भी जानबूझकर आग बंद कर रहे होंगे। आपको पता चल गया है कि आप सच में जेई मेंस अच्छा करोगे, जेई एडवांस अच्छा करोगे या नहीं। तो बच्चों, खुद से ही क्वेश्चन पहला करना है कि मैं कौन सी एग्जाम पे फोकस करूं। अगर आपको लगता है कि जेई मेंस मेरे को बहुत टफ लग रहा है, सिलेबस मेरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है पढ़ने में समझने में, तो फिर मैं सीधा फोकस कर सकता हूँ एमएचटी सीईटी से। और है ना, और बेटा ऐसा नहीं है ना, हमारा एम ये थोड़ी ना है कि हमें जेई मेन से अच्छा करना। हमारा एम ये है कि मुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, मेरा फ्यूचर इतना स्ट्रांग होना चाहिए यार, कम से कम 20 लाख का पैकेज मिल जाए। 20 लाख का पैकेज मिलता है एमएचटी सीईटी के कॉलेजेस में? हाँ, विजेटीआई में मिलता है बेटा, थाडोमल में मिलता है अगर आप मुंबई से बात करो, एसपी कॉलेज में मिलता है, हाँ सीओईपी में मिलता है, पीआईसीटी में मिलता है, वीआईटी मिलता है, बहुत कॉलेजेस है जहाँ पे आपको 14 से लेके 20 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज और आईआईटीज में ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपका मन है आईआईटी जेई और मेन्स और एडवांस की तरफ, तो यस यू शुड कंटिन्यू दैट जर्नी। बट एक रियलिटी चेक कि मुझसे कितना पॉसिबल है ये जानना, ठीक है। तो बच्चों, अगले 5 महीने, 5 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम एग्जाम भी देते रहेंगे और प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। यहाँ से लेके अप्रैल मई तक 5 महीने का हमारे पास पूरा ये सफर है, जहाँ हमें बहुत कुछ मचाना है, बहुत कुछ अचीव करना है। ये सारी एग्जाम्स आएगी इस रास्ते में आप जाओगे। पहले तो आपके बोर्ड्स की प्रीलिम्स आएगी जो आपके कॉलेजेस में हो रही होगी, जो अभी दिवाली के जस्ट बाद हो जाएगी। लेकिन हम नेशनल लेवल के एग्जाम्स कहें तो सबसे पहले आपको 15th ऑफ जैन के आसपास, 15-20 जैन के आसपास जेई मेंस का फेज 1 मिलेगा। फिर वो होते से ही आपका, आपको पता है बोर्ड्स चालू हो रहा है 21 फेब से, ठीक है। तो फेब 21 से आपको बोर्ड्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में मार्च अप्रैल में आपका जेई मेंस फेज 2 और एमएचटीसीटी, आपको पता है एमएचटीसीटी 16th ऑफ अप्रैल को उसे स्टार्ट हो रहा है, ये भी मार्च और अप्रैल में ही रहेगा फेज 2। तो ये सारी एग्जाम, फिर उसके बाद में बिट सैट, वीआईटी, जेई एडवांस जो क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे देंगे, ये सारा मई और जून में होगा, है ना। तो ये सारी एग्जाम्स यूजुअली बच्चे देते हैं, और भी बहुत सारी एग्जाम्स हैं जो बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन आज मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ 2 एग्जाम्स पे, वो है बोर्ड्स। तो बोर्ड्स हम कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू अचीव 90-95% इन बोर्ड्स, हम 90-95% बोर्ड्स में कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये मैं बताऊंगा आज आपको। सर, बोर्ड्स इतना अहमियत रखता है क्या, वो भी बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम आज और एक चीज़ पे फोकस करेंगे, वो एम एच टी सी टी। हम कैसे, सर बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन 99% कैसे ला सकता हूँ अभी भी। बच्चों, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस के साथ मैं सारी बातें कहने वाला हूँ और बहुत क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना है आपको। अगर आप वो 3-4 स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप 100% जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। हाँ, मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जो अचीव करना चाहते हैं आप कर लेंगे। बस आपको अब अगले 4-5 महीने ईमानदारी से एकदम फोकस्ड तैयारी रखनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बोर्ड्स। बहुत सारी कोचिंग में जा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग में बोर्ड्स का नाम लेते ही नहीं,
बोर्ड्स का नाम लेने के बाद में लगता है यार तू बोर्ड्स पढ़ाई कर रहा है, हंसी मजाक करने लग जाते हैं बोर्ड्स कौन पढ़ता है। और लेकिन अब जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आ रहा होता है, अब बच्चों के मन में खलबली मच जाती है। बहुत बच्चे, सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ ना, सर मैं कैसे करूँ बोर्ड्स, क्या करूँ, मुझे 90% चाहिए है। चलिए हमारा टारगेट है 90% चाहिए हमको, है ना, आई वॉन्ट टू अचीव 90%। क्यों? पापा मम्मी कहते हैं इसलिए, या आसपास के अड़ोस पड़ोस वाले पूछते हैं इसलिए, है ना। बहुत सारे बच्चे, बच्चों यही नहीं है, इसके अलावा आपको जेई मेंस में भी टॉप 20% में होना पड़ेगा, है ना, ये भी है। फिर इसके अलावा बिटसैट के लिए भी, बिटसैट के लिए भी आपको 80% चाहिए होता है पीसीएम में। मैंने बहुत बच्चे देखे जिनका 79% स्कोर आया था पीसीएम मिला के, और वो बिट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। तो लेकिन बिट्स में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। अगर आपको पीसीएम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 80% प्लस चाहिए होता है, 80% मतलब 300 मार्क का एग्जाम है, 240 प्लस चाहिए होता है, राइट। पीसीएम मिला के आपको 240 प्लस चाहिए होता है ना, 80% राइट आउट ऑफ 300। अगर आप बिट्स के कोई भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो जेई मेंस में टॉप 20% में होना चाहिए। टॉप 20% यूजुअली ये परसेंट आप समझ लो 75 के आसपास होता है, राइट। तो 670 के आसपास, 72-75 कुछ भी हो सकता है, तो इतना आपका परसेंटेज होना चाहिए। आप अगर जेई मेंस में क्वालिफाई हो भी गए और बोर्ड्स में इतना नहीं आया, तो अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी NIT और IIT, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर CET के लिए कुछ, CET के लिए तो बहुत सिंपल है, 50% प्लस होना चाहिए, 45-50% प्लस, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब मुझे लाना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो टारगेट कुछ बड़ा है, हम 90% प्लस लाना चाहते हैं। और सर सच बताऊँ, आज तक मैंने टेक्स्ट बुक भी नहीं खोला, आज तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया MHT, CET या बोर्ड्स को लेकर, मैं बस JEE मेंस और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा था। सर मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत टाइम पास कर लिया। रियलाइजेशन होता है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे कहते पता ही नहीं चला सर अब पिछले 1.5 साल कैसे किया, लेकिन अब पढ़ना है, अब करके दिखाना है, करके दिखाना है पक्का। क्या करना चाहिए सर, है ना। सबसे पहले तो ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम है ना बच्चा, नवंबर दिसंबर मतलब दिस 2 मंथ्स, ओनली फोकस ऑन योर, हाँ फोकस ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो, जो आपके 4 सब्जेक्ट्स है, इनमें से कोई 3 होंगे आपके, इसी पे फोकस करना चाहिए। यस बच्चों, सर इंग्लिश का कैसे होगा, सर ज्योग्राफी का कैसे होगा, सर IT का कैसे होगा, सर कंप्यूटर साइंस का कैसे होगा, इंग्लिश ज्योग्राफी IT ये सब जो हिंदी मराठी जो भी होगा, इंग्लिश IT बायफोकल जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आपके टर्मिनल एग्जाम के वक्त देखना है ना, जो भी आपके मिड टर्म या फाइनल टर्म होती है ना, मिड टर्म एग्जाम या आपकी कोई प्रीलिम्स विलिम्स होगी तभी देखना है। अदरवाइज इनको जो है वो जैन मंथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अलॉन्ग देखेंगे, जैन और फेब में, राइट। बच्चों इनको कवर करने के लिए 15-20 दिन बहुत होते हैं, और इनमें गैप भी होता है, राइट। इसमें गैप भी अच्छा खासा होता है, ज्योग्राफी और कंप्यूटर IT इनमें गैप बाकी बहुत कुछ होता है। PCMB में बहुत कम दिन का गैप होता है, आपको पता है मैथ्स में सिर्फ 1 दिन का गैप है, केमिस्ट्री में सिर्फ 1 दिन का गैप है, 1 दिन में रिविजन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे बहुत काम यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि हमें नवंबर दिसंबर डोंट फोकस ऑन एनी अदर सब्जेक्ट, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर है तो बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर जो भी आपका PCM PCB है, इन्हीं पर फोकस करना है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। मैथ्स में 15 चैप्टर्स है ना, उन 15 चैप्टर्स को, हाँ मैथ्स में 15 चैप्टर्स है, उन 15 चैप्टर्स को लेकर बैठना है, ठीक है। अगर आप देखो तो मैथ्स में देयर आर 15 चैप्टर्स, हाँ 15 चैप्टर्स, 60 डेज है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है, राइट, 16 चैप्टर्स। तो ये चैप्टर्स है, इनमें हायर वेटेज वाला कौन सा है, मेरा कौन सा हुआ, कौन सा नहीं हुआ, फटाफट लोड आउट लिस्ट बनानी है। मैथमेटिकल लॉजिक हुआ है क्या, हाँ अगर हुआ है तो टिक कर दीजिए। फिर सेकेंड, वेटेज कितना है इसका, है ना, ये सारी बातें। मैट्रेसेस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, हाँ तो नहीं हुआ तो ऐसे कर दीजिए ताकि इसको मैं अब करूँ स्टार्ट। एक बढ़िया सा पूरा बनाइए, और क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ, वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ है क्या, हुआ है तो टिक, नहीं हुआ है तो रोटेशनल मोशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो रॉन्ग। तो जो भी नहीं हुआ है वगैरह वगैरह उसको पहले हाईलाइट कीजिए कि क्या क्या नहीं हुआ, उसका वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर ने छोड़ दिया, और सर कहाँ से पढ़ूँ। बच्चों बहुत सिंपल, आपका महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक प्लस लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स, इतना अगर आप करोगे ना, वेदर इट इज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कोई भी इसका, आपको 90% प्लस पक्का मिलेगा, पक्का। सर टेक्स्ट बुक का मतलब क्या,
सर टेक्स्ट बुक का मतलब ये है कि इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इसके पीछे की एक्सरसाइज, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, मिसलिनियस आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपको फुल स्कोर करना है, पूरे ताकत के साथ जाना है, तो मिसलिनियस भी करिए, लेकिन मिसलिनियस ऑप्शन में रख सकते हैं। ओके, ऑप्शनल क्यों सर? इस पे क्वेश्चन नहीं आते क्या बेटा? आते हैं, लेकिन क्या है ना, ऑप्शंस होते हैं ना, चार में से पांच में से चार करो तो उसमें निकल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। चाहे मैथ्स क्यों ना हो, चाहे फिजिक्स क्यों ना हो, चाहे केमिस्ट्री क्यों ना हो, आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, बस भिड़ जाइए। अगर आज तक टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी थी, टेक्स्ट बुक है नहीं, फिजिकल कॉपी नहीं है सर, पीडीएफ से पढ़ रहा था, आज ले लीजिए और भिड़ जाइए। इतना करोगे ना आप, आपका मैं कह रहा हूँ 90% पक्का है, पक्का, पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद का भी मेरा आया था, और बच्चे तो कई सारे हैं ना, पूरे 100 में से 100 लेके आते हैं। अगर आप ये करोगे, लेटर से आपने 9 and 10 नहीं पढ़ा, जाइए टेक्स्ट बुक से पढ़िए, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर पूरा होने के बाद में उसके एक्सरसाइजेस भी करिए। सर पूरा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अल्टरनेट क्वेश्चंस करिए, है ना, कोई बात नहीं, अल्टरनेट पर एक्सरसाइजेस सॉल्व करना है, राइट, एक्सरसाइजेस को खत्म करना है, और आपके पास टाइम है, 60 डेज है, आप प्लान करोगे ना, यहाँ से 2 महीना है, आप आराम से 15-16 चैप्टर्स मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के आप कर सकते हैं। हाँ, 2-3 दिन भी दिया ना आपने तो भी आपका हो सकता है। देखो, अगर 2-3 दिन में आपने एक एक चैप्टर भी खत्म किया, इफ़ यू प्लान यू हैव टाइम। टाइम नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे कॉलेजेस का सिलेबस खत्म हो चुका है, राइट, लेकिन उनका सिलेबस खत्म हुआ, हमारा नहीं हुआ ना मेरे बच्चों, हमें हमारा सिलेबस इस तरह कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये फॉलो करते हैं, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप बोर्ड्स में मचाओगे, बोर्ड्स में तहलका मचाओगे, राइट, आप बहुत खुश रहोगे, आखिरी दिन तक नहीं जाएगा, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है मेरे बच्चों, है ना। आज तक बहुत आराम किया, बहुत सारे बच्चों के ना फ्रेंड्स भी बहुत बन गए हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, जैसे जैसे हम 11th से 12th में, हमारी और दोस्ती गहरी हो गई है। अब कोई बच्चा कहता है कि यार चल क्रिकेट मैच का फाइनल है मेरे यहाँ पे, तो हम बहुत खुशी से हंसते खेलते जाते हैं, गलत बात है, आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। जैसे जैसे आप 12th की तरफ जा रहे हैं, और ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए थी, या करनी चाहिए अभी भी, और कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त बोल भी रहा है ना कि ये मैच है, ये है, वो है, बोलना मैं हाईलाइट देख लूँगा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे अभी फोकस करना है, मेरा एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है बच्चों, बहुत बहुत ज़रूरी समय है। तो ये है हमारा बोर्ड्स को लेकर पैटर्न। वैसे ही बायो के बारे में भी 12 चैप्टर्स हैं, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है, ओके, बायो की बात भी कर लेते हैं साथ में, ओके बेटा, चलो। तो ये हम बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में सर वो 21 मोस्ट लाइकली लेना चाहिए क्या? सर मेरे टीचर ने कहा ये बुक, मेरे दोस्त ने कही वो बुक, आपकी इच्छा, मैं कहता हूँ इतना पक्का इनफ है, 100% इनफ है। और सही बात ये है कि अगर आप इतना करोगे ना, तो आपके MHT CET के भी कुछ मार्क्स पक्के हो जाएंगे, राइट, न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड्स के हैं ना, वही MHT CET में थोड़े पूछे जाते हैं। कोई बच्चा अगर सिर्फ MHT CET भी कर रहा था, तो पता है आपको, अब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 28 मार्क्स आउट ऑफ 70 न्यूमेरिकल्स पे होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझसे रटना नहीं होता, रटना है ही नहीं, और सर मुझसे लर्न नहीं होती थ्योरी, आपको बस समझना है, 3-4 बार पढ़ना है और आगे बढ़ना है, राइट, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी 28-30 मार्क के होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स तो पूरा ही मैथमेटिकल है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि पूरा पेपर थ्योरी का ही है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोग बोर्ड में मचा सकते हो। सर अभी तक 70% आ रहा था, अभी तक 50% आ रहा था, 60 आ रहा था, फिर भी 90% आ सकता है अगर आप ये फॉलो करो आज से, राइट, अभी तक नहीं किया, अब करोगे पक्का 90% प्लस जाएगा। बहुत अच्छा टाइम हमारे पास है, बस यूटिलाइज अब करना है, ठीक है। अब बात करें MHT CET की, सर बोर्ड तो ठीक है कर लूंगा, लेकिन MHT CET से मुझे एडमिशन मिलने वाला है, यहां मैं 99% कैसे लेके आऊ? 99% कैसे आएगा सर? पहली बात बता दूं, 99% का मतलब है हमें 150-140 ऐसे मार्क्स लाना है, राइट, मतलब मैं टॉप 1% में आ जाता हूं अगर मेरा 150 के अराउंड मार्क्स आता है तो, राइट, टॉप 1% में मैं आ जाता हूं। चलिए थोड़ा 10 मार्क आगे पीछे भी करें, तो 160 अगर आ गया तो मैं 99.5 हो जाएगा मेरा, अब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मतलब मैं टॉप 10,000 जितने भी 500,000 बच्चे 400,000 बच्चे बनेंगे, तो जितना भी है ना, हम बहुत टॉप 1% में आएंगे सर, टॉप 1% में आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरे को सबसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेरे को जो कॉलेज चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे अचीव हो सकता है, हाउ कैन आई अचीव दिस? क्या तो बच्चा यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा PCM। अगर आप बोर्ड्स अच्छा करते हो ना, तो आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता, बहुत बच्चे बोर्ड्स को अलग देखते हैं, CET को अलग देखते हैं, सिलेबस सेम है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में मिथ है
कि सर जेई मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, पर जेई मेंस के 100% क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, बता दूं मैं आपको, 30% क्वेश्चंस जो है वो जेई मेंस के हैं, बाकी जो है बोर्ड्स लेवल या सीईटी लेवल के ही है। बोर्ड्स और जो पहले हमारा सीईटी लेवल होता था ना, उसी के 70% क्वेश्चंस है। कोई भी पेपर आप एनालाइज कर लो, 2023 के कर लो, 2022 के कर लो, तो 30% है। मतलब कि अभी भी मैं कहूँ तो 130 से 140 मार्क्स जो है वो बोर्ड और सीईटी लेवल क्वेश्चंस पर ही है। यस, सीईटी लेवल क्वेश्चंस पर ही है। तो ये जो बहुत बड़ी बात है ना बच्चों के मन में कि जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस, मैं मानता हूँ अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स अच्छा करते हो और उसके बाद में कोई भी एक बुक, लेटेस्ट से कोई भी, मैं ऐसे ही नाम लेता हूँ, कोई भी ले सकते आप, PLPN, टारगेट, या फिर अरिहंत, ठीक है, या फिर स्कोर बूस्टर, कोई भी बुक अगर आप सॉल्व करते हो ना, कोई भी बुक सॉल्व करते हो, आइडिया ये है कि 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर होने चाहिए। कितने क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर होने चाहिए। ओके सर, छोटे चैप्टर तो 100 हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर। अगर अलग अलग क्वेश्चंस 200 हमारे होते हैं कोई भी एक चैप्टर के, तो भाई साहब आप 98% आराम से अचीव कर सकते हो, 120 स्कोर आपका आराम से आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर कर रहे हो, यूनिक क्वेश्चंस, सिंपल नहीं, तो आपका 98% पक्का है। 98% मतलब 120 के आसपास स्कोर आपका पक्का है, राइट, 120। और ये मैं जेई मेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, यस। हाँ, अगर आपका एम है कि सर मुझे VJTI जाना है, COEP जाना है, जो कि बहुत सारे बच्चों का है, तो आपको 99.5 की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके लिए यस यू नीड स्ट्रांग कंटेंट। आप उसके लिए आपको स्ट्रांग कंटेंट चाहिए होगा, उसके लिए आप जेई मेंस के थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब कौन से करने हैं, क्या करने हैं, इसके लिए तो आपको गाइडेंस लगेगा, जो कि मैथ्स के लिए मैं पक्का देने वाला हूँ आपको, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटाइल इस तरफ जाना है, जो कि बहुत सारे बच्चों का एम है, तो यस, तो फिर हमको वो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझो ना, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। तो अगर मैं बोर्ड्स की बुक्स अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में कोई एक बुक ले ले रहा हूँ, PLPN या इनमें से कोई भी एक बुक, इसके अलावा भी कोई हो सकती है, मार्वल वगैरह, 200 क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो भाई साहब बहुत बहुत बढ़िया। और यस, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने सर? लास्ट सेवन ईयर्स के, राइट, 21, 22, 20, 19, है ना, ये जो भी 5-6 साल के पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स बेटा, 10-10 पेपर्स एक एक साल में हुए हैं, 30-35 पेपर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हो, दिस प्लस 200 क्वेश्चंस, भाई साहब कोई नहीं रोक सकता आपका स्कोर, कोई नहीं, आप ही होंगे जो रोक सकते खुद का स्कोर, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता, आप पक्का 110% कह रहा हूँ, पिछले 12-13 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो क्या मैं एक समराइज करूँ कि मुझे MHT CET में अच्छा स्कोर करना है, तो सिर्फ जेई मेंस के क्वेश्चंस करने, ऐसा है क्या? नहीं। अगर मैं बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक अच्छे से करता हूँ, अगर मैं बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करता हूँ, प्लस कोई भी एक बुक उठा लूँ, कोई भी एक बुक और उसमें से 200 क्वेश्चंस आराम से अच्छे से सॉल्व करता हूँ, जो मुझे नहीं आ रहे हैं वो दो बार करता हूँ, जो मेरे नए कॉन्सेप्ट से मैं अच्छे से लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो सर मुझे मिल सकते हैं 98% जेई मेंस का फ्लेवर उसमें ऐड कर दूँ थोड़ा, कोई अच्छा सा गाइडेंस आपको मिल जाए, मैथ्स के लिए मैं आपको पक्का 100% दूंगा, राइट, तो आपको 99.5 भी बड़े आराम से मिल जाएगा। यस, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग कंटेंट की जरूरत है, जो आप कौन सा मैं क्वेश्चन करूँ जेई मेंस का और कौन सा नहीं करूँ, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि पिछले 12-13 साल से हम लोग यही पढ़ा रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस और अब सीईटी भी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगेन सर, बोर्ड्स कब से करूँ, सर सीईटी कब से करूँ, दोनों कैसे चलाऊँ, मैं फिर कहता हूँ कि बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक अच्छे से करो, और जब भी आप जो भी चैप्टर आप कर रहे हो ना बेटा, अज्यूम करते हैं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिया, है ना, लेट अस से कि 6 नवंबर की बात है, ट्यूसडे है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर बाद में है जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने ये पहले दिन ट्यूसडे को बोर्ड्स की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी, है ना, बोर्ड्स की एक्सरसाइज सबमिट करी, तो वेनसडे को मैं इसी पे क्या कर सकता हूँ, स्कोर बूस्टर के 50-60 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, MCQs, MHT CET के सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे करके 3-4 दिन में मैं ये बोर्ड्स और ये दोनों लेवल पे खत्म कर सकता हूँ,
इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको लिए कि आप कैसे कैसे पूरे 60 दिन एक एक दिन करके, आपको चाहिए कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको डे वाइज शेड्यूल बना दो ना कि हम कौन से दिन क्या करें और कैसे सीईटी और बोर्ड्स को एक साथ मैनेज करें, ठीक है? यस सर। तो अगर आप बोलोगे, अगर आप चाहोगे कमेंट में लिखिएगा, मैं पक्का आपके लिए पूरा पूरा डे वाइज शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है? ओके सर। और दोनों हो सकते हैं, दोनों चीज़ें अच्छे से हो सकती है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं। सर मेरी प्रीलिम्स आ जाती है बीच में, सर मेरा बोर्ड्स ये रह जाता है वो रह जाता है, वो सब चलता रहेगा, उसको चलने दीजिए, लेकिन अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो बना हुआ रहना चाहिए, हमारा जो अप्रोच है वो बना हुआ रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जो मैंने कहा वो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, हाँ, जैसे कि टेक्स्ट बुक और बोर्ड्स के लिए टेक्स्ट बुक और प्रीवियस पेपर्स, यहाँ पे भी स्कोर बूस्टर या जो ऐसी कोई बुक्स है उसके साथ प्रीवियस पेपर्स, ये अगर फॉलो कर रहे हो, एंड इफ़ यू बी अ गुड स्टूडेंट आप पक्का दोनों में मचाओगे, इनफैक्ट जेई मेंस में मचाओगे। बी अ गुड स्टूडेंट, GSTD, ये मेरा प्लान, GSTD ये फॉलो करना है आपको। बी अ गुड स्टूडेंट आपको याद रखना है, अभी तक नहीं था, अभी तक अच्छा बच्चा नहीं बना, लेकिन अब से बनना पड़ेगा। बी अ गुड स्टूडेंट, इफ यू बी अ गुड स्टूडेंट, सर व्हाट डज दिस मीन? तो स्टेप नंबर वन, जी स्टैंड्स फॉर गोल, गोल सेट करो, रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, ऐसे हवे में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ रियलिस्टिक गोल कि सर मेरा अप ये है कि मुझे 99% लाना है, मतलब 150 लाना है, इसमें मैं मैथ्स में जो है मैं अच्छा हूँ, आप अपना खुद का बता सकते हो, मैथ्स में मैं 80 लाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ला के मैं 70 लाऊंगा, इसमें मैं फिजिक्स में तो भी 35 ले लूंगा, केमिस्ट्री में भी 35 ले लूंगा, सर फिजिक्स में 40 इसमें 30, जो भी आपका है ना प्लस माइनस है, सर नहीं मैं इसमें ज़्यादा और लाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं 99.5 की तरफ जाऊँ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको एक गोल लेना पड़ेगा और वो गोल को चिपका दो अपने सामने, नींद से उठो वो दिखना चाहिए, है ना? सर मेरा बोर्ड्स में गोल है 95%, है ना, इसके लिए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये होगा वो होगा, वो गोल चिपका दो। और गोल के साथ साथ यू नीड अ स्ट्रांग डिजायर, एस स्टैंड फॉर स्ट्रांग डिजायर, मेरे को करके दिखाना है। बहुत सारे लोग ना हवे में गोल लगा देते हैं, मैं रैंक 1 लेके आऊंगा, मैं जेई मेंस में 150 लेके आऊंगा, मैं जेई मेंस में 250 लेके आऊंगा, मैं सीटी में 170 फाड़ दूंगा, मैंने तो जेई मेंस की पढ़ाई करी है, ये सब हवे में है, हवे में। आप अगर स्ट्रांग डिजायर होगा ना, स्ट्रांग डिजायर का मतलब है कि आप सोशल मीडिया से बहुत दूर जाने लगे, आपने अपने फ्रेंड्स वेंड्स के साथ बहुत मस्ती जो है इधर उधर टाइम पास वाली खत्म करी, बात बात करना ठीक है लेकिन टाइम पास वाइम पास करना आपने बहुत कम कर दिया, मतलब आपके अंदर एक्चुअली इच्छा है, आपने सोना जो है वो टाइम टू टाइम कर दिया है, आपने अपना स्केड्यूल बना दिया प्रॉपरली कि मैं इतने बजे उठूंगा और ये काम करूंगा और वो नहीं करूंगा। तो अगर आपका स्ट्रांग डिजायर इन सारे एक्शन से दिख जाता है कि मेरा स्ट्रांग डिजायर है, वो आपके पूरे दिनचर्या में दिख जाएगा, वो पूरे शेड्यूल में दिख जाएगा। तो इफ यू हैव दैट स्ट्रांग डिजायर, तो बच्चा आपको कोई नहीं रोक सकता, गोल बना लिया और वो गोल अचीव करने के लिए एक स्ट्रांग डिजायर है ना, फिर तो भाई कोई नहीं रोक सकता। बस उसके बाद एक टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइम टेबल हो सकते हैं, रिपीटर्स का अलग हो सकता है टाइम टेबल क्योंकि रिपीटर्स के पास काफ़ी टाइम है ना। फिर उसके बाद में जो क्लास 12th बोर्ड फ्रेशर्स है ना, फ्रेशर्स, ठीक है, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनका टाइम टेबल अलग हो सकता है बच्चों, है ना। तो आप कैसे कैसे बना सकते हो, मेरे हिसाब से तो मैं दो दो सब्जेक्ट्स की टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा होता हूँ, है ना, 3+2+1 कर सकता हूँ, 3+2+1 मतलब एक मेजर सब्जेक्ट जो है लेट अस से मैथ्स, तो मैं वो 3 घंटा पढ़ता हूँ, फिर मैं 2 घंटा फिजिक्स पढ़ता हूँ और 1 घंटा मैं रिवीजन के लिए देता हूँ या कोई बैकलॉग के लिए देता हूँ, है ना, ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। अगेन टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो रख सकते हैं, बट एक प्रॉपर टाइम टेबल, सर 6-7 घंटा सेल्फ स्टडी अगर हो रही है मेरी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना होता है, रिपीटर्स वाले बच्चे उनके पास और टाइम है तो दे कैन यूज 3+3+2, है ना, तो अलग अलग प्लान हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के 3+3+2 प्लान हो सकता है रिपीटर्स के लिए। तो यही है कि अपना एक टाइम टेबल बनाया कि मैं आज ये करूंगा, ऐसे करते करते मैं अगले दिन, मैं आपको डे वाइज टाइम टेबल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप कमेंट में लिख देना सर आई नीड हेल्प ऑन दिस, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिसके आएंगे ना वो मैं पहले कर दूंगा, ठीक है, अब बस भिड़े रहना है, मैं भी भिड़ूंगा आप भी भिड़ेंगे, ठीक है, और करके दिखाएंगे हम हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को, हमारे सारे दोस्तों को, सबको करके दिखाएंगे हम, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना है और यस डिसिप्लिन के साथ रिपीट करना है, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, नोट्स बनाना है, राइट, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना है, लिख लिख के रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, हाँ, तो जब ये सारी चीज़ें करेंगे ना, बहुत सारी प्रैक्टिस और डेली करेंगे, रिपीटेशन में करेंगे, है ना, और रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ को परफेक्ट करना हो ना, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको देख कर किया, फिर थोड़े दिन बाद वापस किया, रिवाइज किया 6-7 दिन में, तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना, रिपीट करते ना डिसिप्लिन के साथ, रिवाइज करते ना डिसिप्लिन के साथ, हमारा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, राइट, हमारा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता।
तो बेटा ये चार स्टेप है ना, ये चार स्टेप, जी फॉर गोल, गोल आज ही लिख लो क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव दैट गोल, और अच्छे से टाइम टेबल बनाना है, प्लान बनाना है, और उसको है ना डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना। तो इफ यू बी अ गुड स्टूडेंट, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल में भी वो लगेगा आपको आई एम पॉसिबल, राइट, और आप सब लोग करके दिखाओगे, ठीक है, यस सर। तो वही है। और बच्चों एक और बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स कब लॉन्च करोगे, क्या करोगे। मैं पहले कह दूं कि यस बहुत जल्दी, दिवाली के बाद, क्योंकि इस बार टाइम कम है, तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स, क्योंकि आपको पता है ना बाद में बहुत कम टाइम है, तो यहीं पर हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे हमारा सिलेबस। तो दिवाली के बाद फुल कोर्स एक आएगा है ना, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आने वाले वीडियोज में शेयर करूंगा। इसके अलावा जितने लोगों ने फेज वन मेरा लिया था संघर्ष बैच का, राइट, वो बच्चे जो है फेज टू ले सकते हैं, हमने फेज टू स्टार्ट कर लिया है। सर फेज वन फेज टू लू या फिर पूरा क्रैश कोर्स लू? पूरा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, फेज वन फेज टू भी ले सकते हैं। फेज वन फेज टू में थोड़ा आराम से कराया हुआ है मैंने, राइट, और क्रैश कोर्स तो थोड़ा वो, राइट, जो जिन्होंने संघर्ष लिया है वो क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, राइट, सिमिलर ही रहने वाला है, बस हमने थोड़ा आराम से और प्यार से किया, यहाँ पे हम कम दिनों में पूरे तरीके से करेंगे, राइट। तो ये है, तो फेज टू जो है उसमें ये चैप्टर्स होंगे, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, राइट। फिर उसके बाद में कब कब टेस्ट होगी वो पूरा स्केड्यूल मैंने दे रखा है, और उसके अलावा 11th का सिलेबस जो है जैसे ही 12th का बोर्ड्स एंड होते हैं ना तब देंगे, और जो रिपीटर्स है उनको मैं पहले दे दूंगा, लेकिन जब 12th बोर्ड्स चलेंगे तब, राइट। अभी आप 12th बोर्ड और 12th सिलेबस पे ही फोकस करो, 11th के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस मत करो। रिपीटर्स बच्चे मैं आपको जो है 11th का सिलेबस जो है दे दूंगा, जैसे हमारा 12th वाले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होगा, जब 12th वाले बच्चे बोर्ड्स दे रहे होंगे हम आपको 11th का दे देंगे, ठीक है। ये है सर, कितने का है, क्या है, क्या इसके फायदे हैं, सारा सारा बता दिया है। दिवाली ऑफर है, बहुत फटाफट फटाफट ये कोड यूज करो, और यू कैन परचेज एट वेरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है बच्चों। तो फटाफट फटाफट जैसे मैंने कहा क्रैश कोर्स, फुल क्रैश कोर्स, कंप्लीट क्रैश कोर्स इज कमिंग सून, फटाफट मैं बताऊंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बच्चों करके दिखाना है आप सब लोगों को, करके दिखाओगे कि नहीं, मचाना है, मचाएंगे, यस। सो ऑल द बेस्ट, भिड़े रहेंगे हम, आप और मैं दोनों ही करके दिखाएंगे। थैंक यू।